एड्रेस। तो जब एड्रेस से रिलेटेड चीज, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसको आपको अपने एग्जाम में कवर करने की जरूरत है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान, उन एरियाज को आज हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन एरियाज पे हम आज बात करेंगे। तो मेरा इसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे प्रोसेस में दो चीजें हम करने जा रहे हैं। आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो चीज हम लिख रहे हैं या बता रहे हैं उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए या उसमें कौन सी एस्पेक्ट्स को अपने को यहाँ पे कवर करना चाहिए, बट हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो हैं स्पेसिफिकली विच इज रिलेटेड टू आपका डिस्ट्रिक्ट वाला एस्पेक्ट जो कि बन सकता है। साथ ही साथ में मैं कुछ आपको जो एवं डेटा है उसका भी आपके साथ में मैं कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा विच यू कैन यूज फॉर योर रेफरेंस, जिसमें आप अपने उसके क्वेश्चंस जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आंसर्स ढूंढ के अपने लिए एक रेडी रेकनर तैयार कर सकते हैं। तो इस आइडिया से आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट है उन डिस्ट्रिक्ट वाले पार्ट्स में से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट अपना जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप पे डालें, ताकि अपने को एक रेंज ऑफ आइडिया समझ में आ जाएगी कौन कौन कहाँ कहाँ से है। ग्रेट, अभी तक जितनों ने डाला है वो सब अलग अलग है। वाह, हैप्पी टू सी जी ऑलमोस्ट सारे जो लोग डाल रहे हैं वो अलग अलग एरिया से अपने आए हैं। दैट्स ग्रेट। तो जूम ग्रुप में सबसे पहले इनिशियल जो एक डॉक्यूमेंट मैंने अपना खुद का डेफ से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर किए थे, क्या आप लोगों ने किसी ने भी उस डॉक्यूमेंट को देखा है क्या या उसको एक्सेस किया है क्या? नॉट ओनली अबाउट जालोर, अबाउट माई होल डेफ। मतलब आप लोगों ने, आप में से क्या सिर्फ चार लोगों ने ही उस डेफ को देखा है? ठीक है, तो मैं उसको वापस से आपके साथ रीशेयर कर देता हूँ। वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एज एन एग्जाम्पल मैं आपको उस चीज को बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे जो आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो सिमिलर टाइप की प्रैक्टिस है। हम चाहते हैं कि आपका भी उस तरीके का एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए जिसके आंसर्स वाइल जो हम लोग वन टू वन डिस्कशंस करेंगे या एक ग्रुप में जो डिस्कशंस करेंगे उसके अंदर उन उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं हम प्रिपेयर कर सकें। तो मैंने इस डेफ को जो है वापस से मार्क कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आफ्टर दी सेशन वो एक बार जाके इसको जरूर देखें। ये आपके लिए एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह आपको हेल्प करेगा कि जिस तरीके से मैंने एक अपने लिए एक डिटेल्ड डेफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रखा है, तो आप भी उसी लाइंस पे अगर अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो आपकी प्रैक्टिस है वो स्ट्रीमलाइन भी हो जाएगी और उसका जो अप्रोच है वो स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। तो हमारा जो आज इस सेशन का पर्पस भी है वो यही है कि उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर लें, तो आप अपने अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से एरियाज को पढ़ना है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो कल हम लोग चाहेंगे कि आप उनको, उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो उसको ढूंढें, उसको प्रिपेयर कर लें, सो दैट जो नेक्स्ट सेशन है उसके बाद में, यस आई विल शेयर इट आनंद, यस यस पर इसको, ये एक सिर्फ आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है तो इसको प्रिंट कराने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। आप सिर्फ इसको देख लें जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आप
आपको भी किस तरीके का जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करना है। तो इसको फिर भी आप चाहेंगे तो मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा, ये शेयरेबल बना दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्सेस देख लिए हैं अभी और काफी डाइवर्स अपने पास में आंसर्स आए हैं, मतलब डाइवर्स एरिया से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन इस पूरे प्रोसेस को, कुछ पर्टिकुलर वर्टिकल्स में बांट देते हैं। वर्टिकल से मेरा मतलब है कि अगर आपसे आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो कौन कौन से ऐसे एरियाज होंगे जिसके बारे में पूछेगा। तो आपको करना ये है कि आप अपना अपने जो क्वेश्चंस हम आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको एक तो नोट करते जाएं, उसमें से कुछ के अगर आपको आंसर्स आते हैं तो इफ यू कैन शेयर इट ऑन ग्रुप प्लीज डू। कल परसों 2 दिन के अंदर आप उनके आंसर्स बना लें, आप उसको आइडेंटिफाई भी कर लें। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो डॉक आप जो डेटा ढूंढ रहे हैं, जो डेटा आपने इकट्ठा किया है उसको आगे कैसे यूटिलाइज करना है आपके आंसर्स में, और किस तरीके के सेकेंडरी क्वेश्चन उन पे बनते हैं। जब आपका वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग वो 5 ग्रुप 5 मेंबर्स के साथ में जो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन टाइप वाला जो डिस्कशन हमने डिसाइड किया था वो प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप कि इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हम क्या करना चाहते हैं, इसका इसका मकसद क्या है और कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। क्लियर है? तो शुड वी स्टार्ट? ओके, दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहला और बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फंडा क्लियर ही रहना चाहिए आनंद, इसीलिए फंडा बॉक्स हमारा काम ही यही है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्या होता है? आप नजर में क्या होना चाहिए, कौन से ऐसे एरिया जिसको मतलब जो सबसे कोर फंडामेंटल अपन जिसको कह सकते हैं कि ये तो सबको पता ही होना चाहिए? लोकेशन। ओके ग्रेट। और इतिहास जी, और डेमोग्राफी कल्चर यस, और डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी यस, इकोनॉमिकल हिस्ट्री कल्चरल ज्योग्राफी इकोनॉमी यस, टूरिज्म ओके। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मेजर जो वर्टिकल्स आइडेंटिफाई किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक एक एस्पेक्ट पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। यस, आप सभी सही हैं, बट हम लोगों ने उसका कैरेक्टराइज मतलब जो उसका प्रायोरिटाइजेशन किया है वो इस तरीके से किया है कि हमें लगता है सबसे पहला एस्पेक्ट जिसपे जरूरत है या जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, है ना, कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी टोपोग्राफी क्या है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ज्योग्राफी पे किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा आइडेंटिफाई करने में कि ज्योग्राफी पे किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। जलवायु कैसी है? ठीक है, लोकेशन क्लाइमेट, क्लाइमेट लोकेशन वेजिटेशन, बिल्कुल सही। यस बहुत बढ़िया, लोकेशन क्लाइमेट फॉरेस्ट सैंड, अपनी स्थिति बताइए, मिट्टी का प्रकार बताइए, बिल्कुल सही। आप लोग सभी इतने इंटेलिजेंटली आंसर कर रहे हैं कि मतलब हमारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा बताने के लिए। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपने कवर कर ली हैं, तो उस पे हम देखते हैं कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए, ये इंडिकेटिव लिस्ट है, जितना एक्सटेंसिव घुसे जाएंगे उसको आप उतनी ही डिटेलिंग इसके अंदर ऐड करते जाएंगे।
यस मानसून है, बिल्कुल है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, जिसको हम टोपोग्राफी कहते हैं, मतलब उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पर क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, आपको ये तो पूछा नहीं जाएगा कि वहां कितने पेड़ हैं, क्या है, क्या कितना उसमें किस तरीके का जो टोपोग्राफी है उसमें किस किस तरीके की चीजें वहां उस पर्टिकुलर जगह पे है। पर क्वेश्चन आता है सेकेंडरी लेवल से। सेकेंडरी लेवल से कैसे क्वेश्चन आता है वो समझिए। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने पहाड़ हैं या कितने नदियां हैं या कौन सी नदी है, उससे एसोसिएटेड कोई इशू है या उससे एसोसिएटेड कोई चैलेंज है या उससे एसोसिएटेड कोई अपॉर्चुनिटी है, तो उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ पे नहर वाली प्रॉब्लम है, जो सेन की प्रॉब्लम है, इस तरीके के कोई इश्यूज हैं, तो उस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहां किस तरीके की चीजें हैं। दूसरा एक और चीज ये है कि मान लो वाटर लेवल की बात अगर अपन करें, अभी वाटर लेवल जो है बिकम बिकॉज वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न स्पेशली इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, तो वाटर टेबल की बात अगर हम करें तो वाटर टेबल के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इस तरीके की पूछा जा सकता है कि वाटर कंजर्वेशन की कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाते हैं। सिमिलरली फॉरेस्ट कवर की बात हो सकती है, बिकॉज कई सारे डिस्ट्रिक्ट इस तरीके के हैं जिसमें काफी एक्सटेंसिव या काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। अभी कल ही एक नया अभयारण्य जो है स्टेट में बना है, कौन सा है वो? यस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। फिर जो बॉर्डर एरियाज हैं, स्पेशली जो बॉर्डर्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं या ऐसे 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 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी जो बॉर्डर्स हैं वो मल्टीपल स्टेट से लगती हैं, उनके बारे में, उनके वहां पे जो इससे इश्यूज क्रिएट होते हैं, उसको पूछा जा सकता है। आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि क्रॉप्स कौन सी हैं, उसको पूछा जा सकता है। रेनफॉल और टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। पर अगेन एज आई सेड, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इस पे सेकेंडरी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मिनरल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि मिनरल्स से रिलेटेड कई सारी इंडस्ट्रीज आपके यहाँ रन कर रही होती हैं और उसके साथ ही साथ में कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी उसकी वजह से होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने जालोर का ही केस बताता हूँ, तो जालोर के अंदर ग्रेनाइट का काफी बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप है ना। जालोर इज कॉल्ड एज ग्रेनाइट सिटी। वहां पे ऑलमोस्ट 1,000+ छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं। तो वहां पे एक तो फ्लोराइड की प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि ग्रेनाइट है, और साथ ही साथ में जो ग्रेनाइट से निकलने वाली स्लरी है, तो स्लरी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब स्लरी प्रॉब्लम भी है और स्लरी अपॉर्चुनिटी भी है। तो अब इस तरीके के एरियाज जहां पे माइनिंग हो रही है वहां पे कई सारे हेल्थ डिजीजेस भी हो जाते हैं। आप में से सिलिकोसिस के बारे में आप जानते हैं, किसी ने सुना है सिलिकोसिस क्या होता है, या उसके बारे में कोई स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की कोई स्कीम है क्या ऐसी? ठीक है, पॉलिसी है, राइट। तो अब देखो क्वेश्चन, अब मुझसे अगर जो क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन ये नहीं पूछे कि स्लरी से आपके क्या क्या इश्यूज हैं, स्लरी के लिए आप क्या क्या उसको यूटिलाइज कर सकते हो या उससे क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि मुझसे सीधा सीधा क्वेश्चन पहले पूछने जाएगा, ये पूछेगा कि क्या आपने सिलिकोसिस पॉलिसी के बारे में आप जानते हैं। अब मैं सोचूंगा कि यार सिलिकोसिस पॉलिसी जो है वो मेरे से तो कहीं रिलेटेड नहीं है, बट कैसे वो रिलेटेड है वो आप समझिए कि क्योंकि मेरे यहाँ मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज फेमस फॉर ऐसा भी कोई है क्या जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? ठीक है, तो
क्वेश्चन में से जो पूछा जाएगा वो सेकेंडरी लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब मैं आपसे चाहता हूं कि आपको 7-8 पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक तो आप नोट करें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, पहले तो सबसे पहले आप उनसे रिलेटेड डेटा अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इनमें से कुछ कुछ ऐसी चीजें अगर आपको अभी पता है तो इफ यू कैन शेयर इट ऑन द ग्रुप प्लीज डू। एक मिनट का टाइम अपन आपसे देंगे कि अगर आपको फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज पता है तो बताइए, आपके यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं तो बताइए, टेम्परेचर वेरिएशन, रेनफॉल्स, मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं आपके डिस्ट्रिक्ट की वो बताइए। फिर अपन नेक्स्ट एस्पेक्ट को देखेंगे कि नेक्स्ट एस्पेक्ट कौन सा है। यस कुलदीप जी, यू आर राइट। मैक्सिमम फॉर प्रोटेक्ट फॉरेस्ट इन वारा डिस्ट्रिक्ट, ओके। भाग्या जी, इफ यू कैन शेयर दी परसेंटेज एज वेल। और किस रिपोर्ट के हिसाब से, ओके ग्रेट। देखो अभी इसको यस है रिपोर्ट के बारे में, यस एग्जैक्टली। तो अभी आपने क्या किया कि अभी आपने इन पर्टिकुलर चीजों पे कुछ कुछ डेटा यहाँ शेयर किया, इसमें और बहुत सारा डेटा जो है वो एड ऑन किया जा सकता है, इसमें स्पेसिफिक रिपोर्ट से ले लें वो और उनका क्या कितना शेयर है, कैसे उसका इम्पैक्ट है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर अपने जो डेटा शीट या जिसको मैं कहूँ कि फैक्ट शीट बनाएंगे उसके अंदर आपके पास में होनी चाहिए। क्योंकि उसके बेसिस पे, जैसे भी आपने कहा कि कॉपर माइनिंग सबसे ज्यादा हो रही है, कोई कह रहा है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो सबसे ज्यादा है, कोई कह रहा है कि फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, तो कम है तो वो उस पर काउंटर क्वेश्चन ये आ सकता है कि उसको बढ़ाने के लिए किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं एज ए एसडीएम। अगर आप किसी जगह पे पोस्टेड हैं वहां पे आप कौन कौन से एफर्ट्स जो है करेंगे सो दैट कि जो इसका फाइनल मतलब जो अभी की कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके, वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो मतलब ये इसके सब सेकेंडरी क्वेश्चन हैं जो आपके इन डेटा से जनरेट होंगे। तो अभी आप सबसे पहले जो ये क्वेश्चंस, ये आपने एरियाज आइडेंटिफाई किए, अब आप इनके पॉइंट्स बनाएं और वो डेटा शीट आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम उस पर जो नेक्स्ट हम लोगों का जो डिस्कशन सेशन होगा उसके अंदर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट एस्पेक्ट विच इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हाँ, अब जैसे शिवानी आपने कहा अफीम, तो अफीम जो है वो नोटिफाइड क्रॉप की तरह उस पर यूज किया जाता है, तो अब उसका उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कैसे उसका जो स्मगलिंग है उस स्मगलिंग के क्या इम्पैक्ट्स हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या होता है, कौन कौन सी चीजें जो हैं इस तरीके के ड्रग्स जो हैं वो बैंड हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आप ये क्वेश्चन अगर सोचें कि मैं चित्तौड़ से हूं तो मुझसे अफीम के बारे में पूछा जाएगा, तो नहीं, उसकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं एक और छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे डेस्क में मैंने ये लिख रखा था कि माय होम टाउन इज जोधपुर और आई उन्होंने कहा कि आप पुणे से भी, आपने पुणे में भी इतना टाइम बिताया और आपने
जो है जोधपुर से आप बिलोंग करते हैं, तो अब उन दो डिस्ट्रिक्ट को आप कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो मतलब देखिए आप वो किस तरीके कैसे आपको कह रहे हैं कि आप उस पर किस तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप क्या चीज अपनी प्रिपेयर करके रखें। सेकेंडली एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जो मतलब फ्रेंकली मैंने तो नहीं सोचा था कि इस तरीके का क्वेश्चन वो मुझसे पूछेंगे, तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर, विच वॉज बैड ऑन माई साइड कि मैं एक IAS इंटरव्यू में देने गया, बट मैं उस चीज को मैं उसको सोच नहीं पाया कि इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता। तो जैसे उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैंने अपने डेफ में लिखा था RBSC, है ना, मैंने अपना 10th और 12th जो है वो RBSC से किया, तो उन्होंने क्वेश्चन यही पूछ लिया कि आप जयपुर और जोधपुर इतनी बड़ी सिटीज हैं, बीकानेर है, तो वहां पे सेंट्रल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस नहीं बनाया गया, अजमेर को चुना गया, क्यों? अब देखो अब उस पूरे प्रोसेस में जब आप अपना डेफ लिख रहे होते हो तो डेफ में तो आप सीधे सीधे नॉर्मली अगर आपसे पूछेगा कि आप कहां से, आपने कौन से बोर्ड से आपने अपनी 10th करी 12th करी, तो आपने लिख दिया RBSC CBSE व्हाटएवर, बट उसका सेकेंडरी क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैं आपको समझा रहा हूं कि वहां से भी उन्होंने क्वेश्चन उठा के पूछ लिया कि वहीं पे वो बोर्ड क्यों बनाया गया, समझ रहे हो आप? तो ये एनालिटिकल एबिलिटी का क्वेश्चन है, जो हो सकता है कि जैसे मैंने उस पहले नहीं सोच रखा था, तो इट वॉज मतलब आई वॉज नॉट स्ट्रक्चरली प्रिपेयर्ड कि इसका रिस्पॉन्स क्या दूंगा मैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो इतना छोटी सी बात को उठा के एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। सर कौन सा क्वेश्चन? आप कुलदीप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? मैं आपको अनम्यूट किया मैंने, आप अजमेर वाला, ये अब आप लोग बताओगे ढूंढ के कि वो अजमेर में क्यों बनाया गया। सीबीएसई बोर्ड का तो नहीं पूछा था उन्होंने मुझसे, उन्होंने मुझसे जो है क्वेश्चन पूछा था आरबीएससी बोर्ड के लिए, क्योंकि मेरे डेस्क में RBSC था। हाँ, तो इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जो है वो अब आप सोचना, और आप हाँ शीतल बोलिए। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन बीच में नहीं लूंगा, क्योंकि पहले अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं एरियाज, ताकि फिर लास्ट में अपन डिस्कस कर सकें, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, शायद रिस्पांस नहीं चलता है कुमार राम जी, शायद तो अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना जी। शीतल हाँ सर इसी क्वेश्चन का आंसर दे रही थी कि आई कांट हियर यू जी, बोलिए जी सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, शीतल की आवाज तो मेरे को नहीं आ रही है, आ रही है? आई डोंट नो, मेरे को नहीं आ रही। ठीक है, एक बार अगर आप इफ यू कैन शेयर द क्वेश्चन ऑन ठीक है, मेरे पास मेल नहीं थी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ज्योग्राफी का पार्ट अपन ने मेजरली देखा कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में आपको पता होनी चाहिए, तो अब आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगा, इसको PDF भी हम शेयर कर देंगे। इस पे जो पॉइंट्स हैं एक तो वो आप बना के रख लें, और नेक्स्ट सेशन से पहले वो प्रिपेयर कर लें आप, सो दैट वी कैन हैव द डिस्कशन कि किस तरीके के क्वेश्चंस उस पे काउंटर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है दैट इज अगेन ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, वो रिलेटेड है डेमोग्राफी से। डेमोग्राफी से आप क्या समझते हैं, पहले तो ये बताइए, What do you understand by term demography? हिंदी कोई मेरा दोस्त हिंदी भी कर देगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब हाँ ठीक है, सही हिंदी नहीं बोलेंगे तब भी तुम चिल्लाते हो, इसलिए
ठीक है, डेमोग्राफी पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं? देखिए, यस यस, मतलब इट इज अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी दैट 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 वाज आई वाज मेंट टू। तो डेमोग्राफी से क्वेश्चंस किस किस तरीके के बनते हैं? डेमोग्राफी से क्वेश्चंस इस तरीके के बनते हैं, जैसे अगेन आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ माय ओन डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जालोर जो है वो इनफेमस है बिकॉज ऑफ लीस्ट लिटरेसी, है ना। सबसे कम लिटरेसी रेट जो है पूरे राजस्थान में वो जालोर की है, और मुझे वो लगता है कि पूरे इंडिया में भी हो सकता है कि वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम होगा। तो क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि वहां पे लिटरेसी रेट कम क्यों है, लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट कम क्यों है, के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। सिमिलरली और कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सेक्स रेशियो हो गया, कास्ट का फॉर्मेशन हो गया, जो बर्थ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी है, लिटरेसी रेट है, ये वो सारे फिगर्स हैं या एरियाज हैं जिसका ट्रेंड एक तो आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ में इसके एब्सोल्यूट पोजिशनिंग आपको होना चाहिए। आपको आपके शेयर कर दूंगा शीतल में, इस क्लास के बाद में आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा इसका डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको ये सारे डेटा मिल जाएगा ऑफिशियली, ठीक है। तो अब आपको, जैसे मैंने आपको कहा, ये तो हुआ बेसिक डेटा के जो यहाँ पे आप तो ये सब बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बनते हैं। आईएमआर क्या है, एमएमआर क्या है, जब आईएमआर एमएमआर के बारे में चले जाते हैं तो कई बार क्वेश्चन और लेवल पे चला जाता है, उसमें वो आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी पूछ लेते हैं। अरे कुलदीप जी यार, कोई बात नहीं, आ गई होगी इनके पास में, ये शेयर कर देंगे ना, डोंट वरी। आपको डेटा का ट्रेंड समझने की भी जरूरत है कि ये डेटा ऐसा क्यों है, इसका ट्रेंड क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि सिचुएशनल क्वेश्चंस जो हैं वो सिचुएशनल क्वेश्चंस बनते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया जो, मतलब ये पर्टिकुलर डेटा जो है या ट्रेंड जो है वो ऐसा क्यों है, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे चलें, बहुत सारे एरियाज हैं, इसको अपन डिस्कस करते जाएंगे तो यही थर्ड और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे आप लोगों ने बताया भी था कि थर्ड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। हिस्ट्री एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, स्पेशली जब इंटरव्यूज की बात होती है, और मेजरली जो लोग वहाँ इंटरव्यू ले रहे होते हैं, चूंकि उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है फील्ड का, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में या आपके एरिया में काम कर चुके होते हैं, नहीं भी होते हैं तो कई लोग जो है वो लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, या उनको खुद को अपनी जो अपने टाइम में उन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी होती है या हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें याद भी रहती हैं, उनको पता भी रहती है। तो वहां जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस तरीके के पूछे जाते हैं, वो मैं आप मतलब वो अपने को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि जैसे कल्चरल एस्पेक्ट्स जो है, स्पेशली आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका उसका जो उसमें किस तरीके के मेले हो रहे हैं, किस तरीके का वहाँ के ट्रेडिशंस हैं, कौन सा ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट है या ऐसा फेस्टिवल है जो आपके यहाँ पे बहुत फेमस है या उसको बहुत अलग तरीके से मनाया जाता है, तो उसपे स्पेशली क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अब कहीं कैमल फेयर हो रहा है, तो अब कैमल फेयर के अंदर अगर कैमल की संख्या कम हो रही है तो इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि वो ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा फेयर होता है, फेयर तो आपसे बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फेयर होता है, बट स्ट्रेसिंग ऑन कि सेकेंडरी क्वेश्चंस जो बनते हैं
वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको आपको लिंकेज करना और लिंकेज कर पाना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि हवा महल कहाँ है, पर अगर हवा महल से रिलेटेड यू शुड नो देन क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है, क्योंकि हवा महल कहाँ है उसके बारे में तो आपको पता ही है। पर क्वेश्चन मान लीजिए आपके यहाँ जयपुर सिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो टूरिज्म पे कोरोना का क्या इम्पैक्ट हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसकी वजह से जो नंबर ऑफ फुटफॉल्स था वो बढ़े घटे, उनका ट्रेंड में क्या डिफरेंस आया, हॉस्पिटैलिटी जो फील्ड है उसमें किस तरीके का इम्पैक्ट हुआ, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वहां लगाया जाए, टूरिज्म पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली, एडमिनिस्ट्रेटर वहां लगाया जाए तो वहां आप टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाएंगे, उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका जो पर्टिकुलर एरिया है वो किसी टूरिज्म सर्किट में आता है तो उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, और आपको क्या लगता है कि उस पे किस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके के और स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। तो मतलब ये जो अपन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि वो जो पेरिफेरी है उसको अपन देखें कि कौन कौन से एरियाज के आपको टच करके रखना है और कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपको सोचने की जरूरत है। अलोंग विद दैट, अगर कोई मेजर इवेंट हुआ आपके यहाँ पे, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट घटना आपके यहाँ घटी हुई है, या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट आपके यहाँ पर है, जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है हिस्ट्री से रिलेटेड। यस, ये सारे जो अगर इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज बेस पे नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि आपके एनालिटिकल स्किल्स को समझें और उस पर्टिकुलर चीज में क्यों वहां ऐसी चीज हो रही है इसको समझें, ठीक है। तो आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि एरियाज अपने को कवर करने। यस, अब एक और देखो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, विच इज कास्ट कंपोजिशन की बात करी थी, तो वहां SC ST पॉपुलेशन की बात करी, या कोई इस तरीके का जैसे कोई ट्राइबल एरिया से आता है तो ट्राइबल एरिया से अगर कोई आता है तो वहां ट्राइबल के क्या इश्यूज हैं, ट्राइबल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, उनको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, उनके लिए कौन सी पॉलिसीज हैं, उनको उनके ग्रीवियंसेस को रिड्रेसल करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं। आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको ट्राइबल एरिया में लगाया जाता है तो आप कौन कौन सी, आपके हिसाब से तीन इम्पोर्टेंट सोसाइटियल इश्यूज क्या हैं उनसे रिलेटेड, उनको ओवरकम करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स उठाएंगे। ये जो मैं सारी चीजें बोलता जा रहा हूँ उनको नोट भी करते जाइए, क्योंकि उस वो आपके लिए एज ए आपको हेल्प करेगा आंसर्स ढूंढने में। जब आपको क्वेश्चन पता होता है, आपको ये पता होता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपके लिए आसान हो जाता है उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना। अदरवाइज जनरली क्या होता है, लोग रेंडम, सर रिकॉर्डिंग से लिखेंगे ठीक है, रेंडम हिटिंग करते रहते हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि उनका जो सब्जेक्ट उनको पढ़ना है या जो टॉपिक उनको प्रिपेयर करना है वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो इसलिए इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद यही है कि आपके लिए वो जो गाइडलाइन है, गाइडिंग क्वेश्चंस हैं वो बन जाएं, जिससे कि आपका ये पार्ट जो प्रिपरेशन का पार्ट है डेफ्स का डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, ये आप 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर सकें, ठीक है। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के जो इम्पोर्टेंट डांसेस हैं, सॉन्ग्स हैं, कोई आर्ट से रिलेटेड कोई चीज है, लिटरेचर से रिलेटेड कोई चीज है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वो फलाना फलाना आपके यहाँ म्यूजियम है विच इज वेरी फेमस, वाई इट इज फेमस, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो फेमस है, या आपके यहाँ कोई एक जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी किस लिए फेमस है, वहां पे ऐसा क्या था, उसका हिस्टोरिकल लिंकेजेस क्या है। तो मतलब ये एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ में जैसे मैंने आपको कहा कि सोसाइटल इश्यूज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो इश्यूज रिलेटेड हैं स्पेशली जैसे वहां का चाइल्ड, क्योंकि
क्यों हो रही हैं, उसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स उठाते हैं, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर का रोल क्या होता है, कौन होता है, उसकी पावर क्या होती है, किस एक्ट के अंदर उसको बनाया गया है। तो मतलब अगर आपके यहाँ कोई एक सोसाइटी का इशू है, वो सोसाइटी का इशू किस तरीके के सेकेंडरी क्वेश्चन जनरेट करेगा उसको समझना जरूरी है, तभी आप उसकी उसके लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। ड्रग्स से रिलेटेड कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, कोई किसी जगह पे कम्युनल वायलेंस हो रहा है, तो कम्युनल वायलेंस हो रहा है तो वो ये नहीं पूछेगा कि यार वहां कम्युनल वायलेंस क्यों हुआ, वो ये पूछेगा कि अगर आप ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर वाला इसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको आपकी प्रिपरेशन में ध्यान रखने जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अगेन विच इज रिलेटेड टू वन ऑफ अनदर सिग्निफिकेंट पार्ट रिलेटेड टू पॉलिटी। अब जैसे अगेन आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ माय ओन इंटरव्यू, उन्होंने पूछ लिया कि जैसे ही मैंने उनको ये बोला कि जालोर से हूं, तो जालोर से उनको याद आया बूटा सिंह याद आ गए, फिर उनको लक्ष्मण बंगारू याद आ गए जबकि सुशीला बंगारू लड़ी थी। तो कहने का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ कुछ फेमस पर्सनैलिटीज उस पर्टिकुलर जगह से एसोसिएटेड है, तो अब उन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा, उनका मतलब उनका इंटरेस्ट ये नहीं था कि बूटा सिंह जीत रहे हैं या लक्ष्मण बंगारू जीत रहे हैं, सुशीला बंगारू जीत रहे हैं। उनका इंटरेस्ट ये था कि क्यों ऐसा ट्रेंड है कि बाहर से कोई कैंडिडेट आके आपके यहाँ लड़ता है, वो वहां से बिलोंग नहीं करता फिर भी जीत जाता है। तो दिस इज हाउ एन इंटरव्यूअर थिंक्स, वो आपको आपकी सिर्फ फैक्ट बेस्ड नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपसे इसलिए बात कर रहा है कि वो ये समझ सके कि आपने किसी भी पर्टिकुलर घटना जो कि इम्पोर्टेंट घटना है, एसोसिएटेड घटना है, जो विच इज रिलेटेड टू योर डिस्ट्रिक्ट और योर एरिया, उसके बारे में कितना डेप्थ में जाके सोचा है। तो ये जो सेकेंडरी क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस, हाँ, तो मतलब उस क्वेश्चन को अब आपसे पूछेगा कि वो आपको क्या लगता है, मान लो आपसे धर्मेंद्र, जैसे आप देवेश आप कह रहे हैं धर्मेंद्र की बात क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपसे ये पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि आप जो इस तरीके के फिल्म एक्टर्स हैं या इस तरीके के जो पर्सनैलिटीज हैं, अगर ये पॉलिट जीती हैं तो कितना जस्टिफाइड आप आपको लगता है, और उनका पार्टिसिपेशन कितना टाइम वो स्पेंड कर पाते हैं, या उनका पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट में कितना रोल रहता है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन, जेनरिक क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा है आपसे कि वो धर्मेंद्र के बारे में आपको पूछना चाह रहा है, वो क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि दैट इज, मतलब वो एक फिलोसॉफिकल एंगल पे ही जानना चाह रहा है कि आप उसके बारे में किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, तो यही प्रैक्टिस हमको यहाँ ध्यान में रखनी है। जब हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हमारे को पता होना चाहिए, साथ ही साथ में उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कि वहाँ ब्लॉक्स क्या है, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, कौन से सब डिविजन है, क्योंकि वो खुद, जैसे मैंने आपसे कहा कि कई बार जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो खुद इंटरव्यू में मतलब अब उस इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर्स बैठे हुए होते हैं वो खुद कई बार उस फील्ड में काम कर चुके होते हैं, तो उनको काफी सारी इनडेप्थ नॉलेज उस जगह की होती है। मेरे 2016 वाले इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यूअर बैठे थे वो जालोर एसपी रह चुके थे, तो उनको बहुत सारी ऐसी लोकल इश्यूज जो है उसके बारे में उनको जानकारी थी, तो उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे दैट वॉज वेरी कोर टू जालोर, और सिर्फ जालोर का ही आदमी उसको जानता होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, जो कई बार मतलब वो लक बाय चांस भी है कि वो बंदा जो आपके इंटरव्यू लेने बैठ गया वो आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके एरिया में काम कर चुका हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो थोड़ा सा एक तो अपना यहाँ पे जो घटनाएं घट रही है, स्पेशली कोई ऐसा नहीं कि कोई बेसिक चीजों पर ही क्वेश्चन पूछ लिया, कोई जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं, या अगर आपके यहाँ कोई ऐसी डिमांड है जो कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग है, विच इज रिलेटेड टू सम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और समथिंग, या किसी जगह से आपके यहाँ कोई एक मेजर हाईवे जा रहा है उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, उसमें लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं, तो क्वेश्चन जो है वो उनसे एसोसिएट करके, वहां जो इश्यूज आ रहे हैं उनसे एसोसिएट करके आपसे पूछने का। फिर फेमस पर्सनैलिटीज विच इज अगेन रिलेटेड टू योर लिंक टू योर एरिया, उनपे जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, इसके अलावा
स्क्रीन पे, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि एनवायरमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एनवायरमेंट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्रेनाइट स्लरी का, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे आपके डिस्ट्रिक्ट में जो माइनिंग से रिलेटेड इशू हैं या जो हेल्थ डिजीज से रिलेटेड इशूज हैं उनके लिए जो स्पेशल एफर्ट्स वहां करे जाए उन पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. इसलिए यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर दोज एरियाज, उनकी पॉलिसीज, उन पे क्या उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, उनमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपके यहाँ उठाए जा रहे हैं, उनसे एसोसिएटेड जो एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट हुआ है या मतलब उससे रिलेटेड जो आपके यहाँ पे एसोसिएटेड जो दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं उनके लिए क्या एफर्ट्स हैं या उनका किस तरीके का परफॉर्मेंस है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. यस, बजरी खनन इज वेरी जेनरिक है ना, वो किसी से भी पूछा जा सकता है. तो यस एग्जैक्टली, मतलब जिप्सम माइनिंग का इशू है तो वो इशू से उसके उसके इम्पैक्ट क्या है, उसको उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, उसमें क्या उसके एनवायरमेंटल इशू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हैं. तो दीज आर द एरियाज विच यू शुड नो, विच यू शुड प्रिपेयर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, एक जेनरिक सा चीज है विच इज इम्पॉर्टेंट, और इसमें क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स रिलेटेड जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपके यहाँ है, आपके यहाँ जो स्पेशली जो आपकी इकोनॉमी है वो कौन सी चीजों से ड्रिवन होती है. जब मान लो जैसे किस अगर जयपुर की अगर हम बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरीज के लिए फेमस है, तो जेम्स एंड ज्वेलरीज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसका एक्सपोर्ट में कितना शेयर है ना, कौन कौन से उसके लिए स्पेशल प्रमोशन के लिए कौन सी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज क्या हैं, कौन से एफर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा किए गए, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स और एडिशनल स्टेप्स जो हैं वो उठाए जा सकते हैं, है ना. फिर साथ ही जैसे अभी कोई प्लेयर आपके यहाँ से न्यूज में था या कोई कोई स्पेसिफिक इवेंट जो आपके यहाँ हुआ है, तो ये वो ऐसे एरियाज हैं विच कैन बी आस्क्ड अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट. सबसे पहले ये जो भी पॉइंट्स हैं इनके इनके बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स आप अपने प्रिपेयर करें, इनके जो फैक्ट्स हैं वो प्रिपेयर करें, उसके बाद इनके ऊपर सेकेंडरी क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उसको भी प्रिपेयर करें. तो जब आपके पास ये लिस्ट रेडी हो जाएगी तो आपको ये 50-100 क्वेश्चन दिखेंगे, उन क्वेश्चन के आपको आंसर्स ढूंढने की जरूरत होगी कि एक क्वेश्चन को अगर आप तो यू विल बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस इजीली इन द इंटरव्यू. और यकीन मानिए 80% क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आते हैं दोज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन योर डेफ. तो आप डेफ को जितना एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करते हैं, जब वो क्वेश्चंस आपने आपसे पूछना शुरू करते हैं, अगर आप डेफ के क्वेश्चंस का जवाब अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो फिर वो रैंडम क्वेश्चंस हिट करना शुरू कर देते हैं. इसलिए जब तक पॉसिबल हो सके, जहां तक पॉसिबल हो सके, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डेफ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं उनको जितना अच्छे और जितना स्ट्रक्चरली प्रिपेयर कर सकें उसको करना चाहिए. ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ में डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स बनते हैं उसका एक स्केच आपको शेयर किया है ना. मैं इसमें एक आपको माइंड मैप भी शेयर कर दूंगा, उस पर आप उस पर और बिल्डअप कर सकते हैं, उसमें आप अपना डेटा अपने अपने हिसाब से भर सकते हैं, वो भी आप करिएगा. और कोशिश करिएगा कि इसका जो डॉक्यूमेंट है बन जाए तो यू शुड शेयर दैट डॉक्यूमेंट इन द ग्रुप एज वेल, जिससे दूसरे लोगों को भी समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, हमारी तरफ से भी हम उसमें एड ऑन करेंगे. फिर जो अपना 1-to-1 डिस्कशन या 1-to-many 1-to-5 वाला ग्रुप का जो मॉडरेटेड डिस्कशन, उसके अंदर हम उन एस्पेक्ट से क्वेश्चन आपके पूछेंगे एरियाज, जैसे हमें पता है कि मतलब इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको और एड ऑन कर देंगे जिससे कि आपके लिए वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सटेंसिव बन सके. तो आई होप कि आपके लिए ये आज का जो डिस्कशन है बात है वो कुछ हेल्पफुल रही होगी, और इसे आपको एक एक लाइट या मतलब एक रास्ता मिला होगा कि तरीके से आगे अप्रोच करना है.
So now I am opening the floor for the discussion and for your questions. आप सब जिसको भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है. मैं आपको अनम्यूट करूंगा. जी रमजीत जी बताइए. हिस्ट्री वाले पार्ट रमजीत जी आपको अलाउ कर दिया. क्या क्या बताया सर? हिस्ट्री वाले पार्ट में क्या क्या बताया? जस्ट सेकेंड ईयर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो. हिस्ट्री वाले पार्ट में क्या क्या बताया? हिस्ट्री का पार्ट एक मिनट आप होल्ड रखिए. होल्ड रखिए. अब बोलिए रमजीत जी. कह रहा हूँ सर हिस्ट्री के पार्ट में क्या क्या बताया, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते. हिस्ट्री के पार्ट में हिस्ट्री के पार्ट हिस्ट्री में तो अगर मान लीजिए आपके यहाँ से या वो स्क्रीन एक बार वापस दे देते. पीडीएफ ही पूरा शेयर कर दूंगा, आप उसके लिए चिंता मत करिए, है ना जी सर. हम शेयर करेंगे यहाँ पे. हिस्ट्री में देखिए जो आपके यहाँ से कुछ हिस्टोरिकल, एक तो मॉन्यूमेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं, कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, ये सारे ऐसे एरियाज हैं जिसको प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है ना. अब मान लीजिए विजय सिंह पथिक का आपके यहाँ कुछ इवेंट हुआ है ना, या सागरमल गोपा का कुछ इवेंट हुआ, या कोई ऐसा क्रांतिकारी है जिसका कोई आपके पर्टिकुलर एरिया से बहुत एसोसिएशन है, तो उस पे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है. जी सर. या उसका मान लो नागौर से पूछे, नागौर में पूछना जाएगा तो वो नागौर में सीधे ये तो पूछेगा नहीं कि पंचायती राज की स्थापना कहाँ से हुई है, कौन सा स्टार्ट हुआ है, कौन सी जगह से शुरू हुआ, ये नहीं पूछेगा. अब वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा पंचायती राज पे. तो आप हमारे को सीखना यही है कि हम उसको एसोसिएट कैसे करते हैं, है ना. तो वो क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्वेश्चन उसकी सेकेंडरी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि वो सीधे आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा. बट यू शुड बी रेडी कि जिसमें आपसे जो क्वेश्चन हैं वो एसोसिएटेड पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाए. जी सर. थैंक यू सर. थैंक यू. और कोई आज का डिस्कशन कुछ काम का था क्या, पहले तो ये बताओ. बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा. बाकी सब तो मुझे लग नहीं रहा, बाकी सब तो सो गए. कौन सा वाला फ्रूट आनंद? चलो तो ठीक है. तो पर्पस देखो, अल्टीमेटली आप जितना स्ट्रक्चर्ड होके जितना पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा. आप में से किसी को और को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई और बात कहनी है तो बताएं प्लीज. देखो आप इसको जितना जल्दी प्रिपेयर कर लोगे उतना जल्दी ही अपन जो मॉडरेटेड सेशंस हैं वो स्टार्ट कर पाएंगे. तो आप कब तक कर लोगे ये प्रिपेयर? ठीक है. तो आई एम अनाउंसिंग कल नहीं परसों अपन एक सेशन रखेंगे जिसमें अपन एक मॉडरेटेड डिस्कशन करेंगे. तो जिस जो जो लोग अपने डेफ की डिटेलिंग्स बना के एक बार यहाँ ग्रुप पे शेयर कर देंगे, तो पहले 5 या 6 जनों को हम जो है ये मौका देंगे कि फर्स्ट सेशन जो होगा वो उनके साथ कंडक्ट किया जाएगा. उसमें किया ये जाएगा कि वो जो 5-6 लोग जिनको अलाउ किया जाएगा वो लोग तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी सारे लोग सिर्फ लिसनिंग मोड में होंगे. बाद में उस सेशन के बाद में उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो क्वेश्चंस पूछे जा सके पूछ सकें. जो 5-6 लोग अपने डेफ यहाँ शेयर कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि दे शुड प्रिपेयर इट इन सच ए वे कि उन पे काउंटर क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहें, और वो क्वेश्चंस एज ए इंटरव्यू में किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करेंगे उस हिसाब से यहाँ आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी. ठीक है. आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा और आप इस बात के लिए रेडी रहेंगे. तो
आई विल बी वेटिंग फॉर योर इनपुट्स, है ना, और आप जितना जल्दी शेयर करेंगे उसके हिसाब से अपन स्टार्ट करेंगे। किसी और को कोई बात कहनी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ कहना है? सर ये आप थोड़ा सा वापस 19 को ये स्टार्ट होगा दूसरे वाला सेशन, आप जितनी, मैं कह रहा हूँ ना पहले 6 जब भी तैयार हो जाएंगे उसके बाद कर लेंगे। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि 19 को ही हो जाए, पर वो आप लोगों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने का मतलब नहीं है ना जिसके अंदर हम दो क्वेश्चन पूछते जाएं और आप, क्योंकि उसमें देखिए जो बाकी 4-5 लोग जुड़ रहे हैं तो 4 जने मिलके एक बार क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका सामने वाले को जो भी जिससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो जवाब देगा, फिर अपन आदमी मतलब नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ मूव कर लेंगे, फिर उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसी प्रिपेयर, कैसी स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन आपको करनी है और आंसर कैसे दें, ठीक है? क्योंकि अभी तो क्या है ना कि अभी आपको टाइम मिलता है, आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करते हैं आंसर देने के लिए, सोचते हैं, उसको फ्रेम करते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। वहां जब डायरेक्टली लाइव आंसर देना होता है देन इट इज ए वेरी डिफिकल्ट, इज ए वेरी डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है? तो आई थिंक अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है। यस, डिस्ट्रिक्ट पे एक एक अपन पॉइंट्स जो जो कवर करते जाएंगे उसके ऊपर अपन ये सेशन रखेंगे आगे। परसों जो सेशन है, नेक्स्ट सेशन जो है वो उसकी डिटेलिंग अलग होगी, तो उसके बाद फिर अपन उसके ऊपर तैयारी करेंगे, ठीक है? तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आई होप कि आप जल्दी उसको करेंगे, फिर मिलते हैं। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो लास्ट 1 मिनट, अदरवाइज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैविंग मतलब हैव पेशेंस। चलिए, ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।